आप लोग कहाँ कहाँ से है? कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया, झारखंड से आया, उड़ीसा से आया, सब जगह बाहर बाहर से आदमी इधर में आया। हमारे इधर आने का मकसद क्या है? पैसा कमाना है, बराबर ना? आप लोग आए, आपका भी मकसद है पैसा कमाना। जो पहले से आदमी आके इधर में काम कर रहे हो, उसका भी काम है, मकसद है पैसा कमाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए हैं रह जाना है, सुरक्षित रहना है ना अपने को। इसके लिए क्या सेफ्टी जरूरी है? क्या जरूरी है? सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी हम नहीं करेंगे, सेफ्टी का नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हम दूसरे जगह से जैसे यहाँ काम करने के लिए आए हैं, फिर दूसरे जगह में हम जाके काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग सुरक्षित काम नहीं किया तो, असुरक्षित काम किया तो क्या होगा? हमारे साथ में हादसा हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है। हो सकता है कि हमारे को इतना चोट लग जाए कि हमारा पैर से चलना ना हो, हाथ से कोई सामान उठाना ना हो। होता है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो कोई मैं नया चीज़ बता रहे, 100 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी 4 आदमी ऐसा होता है जो अनसेफ काम करता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसको चोट लग जाता है। कभी हाइट से आदमी गिर जाता है, या हाइट से सामान उसके ऊपर गिर जाता है। काम करते करते किसी मशीन में हाथ घुसा दिया, हाथ कट गया, होता है ना। तो साइड पे सब हादसा होता है ऐसा। तो अपना मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग जैसा घर से काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वैसे ही अपने को घर पे सुरक्षित जाना है ना। इसके लिए हम लोग इधर में एंट्री के टाइम में आप लोगों का इंडक्शन करते हैं, मेडिकल करते हैं, ये जी चेक करते हैं कि आपका उम्र 18 साल से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपका उम्र ओवरेज तो नहीं हो गया, तो ये सब चेक करने के बाद आप काम करने के लिए फिट है तो आपको हम लोग साइड पे लेते हैं काम करने के लिए। काम पे जाने से पहले आप लोग को इंडक्शन लेते हैं, समझाते हैं कि कैसा काम करना है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग सुबह में गेट से एंट्री होगा ना हमारा, तो अपने साथ में क्या क्या होना चाहिए? अपना जो बेसिक पीपी होता है, हेलमेट, जैकेट, जूता, 3 चीज़ अपने पास होना चाहिए तभी गेट से एंट्री होगा। ये 3 चीज़ नहीं रहा तो गेट के अंदर एंट्री नहीं होगा। जब से कोरोना चालू हुआ उसके बाद में अपने को मास्क लगाना भी कंपलसरी हो गया, हाथ को सैनिटाइज करना भी कंपलसरी हो गया, तो 2 चीज़ और एक्स्ट्रा जुट गया। तो गेट के पास में आप लोगों को सैनिटाइज़र मिल जाएगा, आपको हाथ में लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क लगा हुआ रहना चाहिए तभी आपका एंट्री होगा। एंट्री के टाइम में आप लोगों को सिक्योरिटी को अपना गेट पास दिखाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाहरी आदमी हमारे गेट के अंदर में आके कुछ ऐसा हरकत ना कर दे। मान लो कि आप लोग इधर काम कर रहे हैं, आप लोगों का हम लोग जानता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आया आप लोगों को काम करने के लिए, हम लोग आईडी बनाया, सब कुछ करके दिया, अपना पहचान हो गया कि अपना एकता का आदमी है, मन्ना का आदमी है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है अपने को मालूम चल गया, तो आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम में कोई बदमाश हो गया, आतंकवादी हो गया, ऐसा कोई आदमी है जिसके उसके पास तो गेट पास हम लोग बना के नहीं देगा ना आतंकवादी को, तो वो लोग क्या, वो लोग गेट पास दिखाएगा नहीं, आप लोग भी नहीं दिखाएगा गेट पास, वो लोग भी बिना गेट पास दिखाया जाएगा, वो लोगों के पास गेट पास नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को गेट पास दिखाना गेट पर ज़रूरी है कि इंश्योर हो जाए कि हमारा ही आदमी हमारे गेट के अंदर काम करने के लिए जा रहा है। नहीं तो उस टाइम में ऐसा अगर हम लोग रूल्स नहीं रखेंगे, नियम नहीं रखेंगे, तो बाहरी आदमी कोई भी आके अंदर में कुछ भी करके जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को गेट के ऊपर में अपना आईडी कार्ड दिखाना ज़रूरी है। आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा गेट आईडी नंबर दिखाओ, आईडी दिखाना, उधर में एंट्री करना, उसके बाद में साइट पे काम करने के लिए आना है। तो साइट पे हम लोग जब भी काम करने के लिए आएंगे तो उस टाइम में अपने पास में पीपी होना ज़रूरी है। जैसे पीपी, हेलमेट, जैकेट, शूज जो होता है ना, हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन बोलते हैं, वो चीज़ हमारे पास होना ज़रूरी है। वो चीज़ रहेगा तभी हम साइट पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग काम करने देगा नहीं। तो 3 चीज़ तो आप लोग उधर से लेके आएंगे, पहन के आएंगे, वहाँ गेट पे आपका चेक हो गया। लेकिन उसके अलावा साइड पे कुछ ऐसा काम करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए ना, पीपी चाहिए, हैंड ग्लोव चाहिए, कुछ कटिंग करना है,
कुछ मशीन ऐसा चलाना है जिससे कुछ चिंगारी कुछ उड़ के आँख में लगने का चांसेस है, उस टाइम में अपने को क्या करना है, चश्मा पहनना पड़ेगा, फेस शील्ड पहनना पड़ेगा, हाथ में दस्ताना पहनना पड़ेगा, ऊंचाई पर काम करने के लिए जाएंगे तो सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ेगा, किसी गैस वाला एरिया में काम करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए अलग पीपी आता है, उसको स्काबा बोलते हैं, वो चीज़ पहनना ज़रूरी है, ठीक है। और कभी भी हम लोग काम करते टाइम में मास्क पहनना ज़रूरी है। ये मास्क खाली कोरोना के लिए नहीं है, बहुत आदमी क्या होता है कारपेंटर रहेगा उसमें तो क्या करेगा, प्लाई कटिंग करेगा, प्लाई कटिंग करेगा तो उस टाइम में अपने को मास्क कंपलसरी है। चश्मा तो पहनना ही है कि आँख में हमारा उड़ के कुछ चीज़ ना लगे, वो तो सबको मालूम है, लेकिन मास्क के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि साहब उस टाइम में अपने को मास्क क्यों पहनना चाहिए प्लाई कटिंग करते टाइम में। तो जब भी हम प्लाई कटिंग करते हैं ना तो उसमें से कुछ निकलता है ना डस्ट, वो डस्ट किधर जाता है, हमारा नाक में जाएगा, नाक के थ्रू अपना लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में जाएगा तो क्या करेगा, फेफड़ा में क्या होता है छोटा छोटा छेद होता है जो हमारा हवा को अंदर लेके प्यूरीफाई करके अच्छा हवा अंदर लेता है और जो काम का नहीं उसको बाहर करता है, बराबर ना। तो उसके साथ में जो कचड़ा जाएगा डस्ट जाएगा, छोटा छोटा डस्ट जाएगा अपने नाक के अंदर फेफड़े में जाएगा तो क्या करेगा, वो हार्ट वो जो लंग्स का होल है उसको क्या करेगा, छोटा छोटा छेद है उसको ब्लॉक कर देगा। तो आप लोग काम करते रहेंगे कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा कि आप लोगों को खांसी आना चालू होगा, टीबी होगा, दमा होगा, मतलब लंग्स जो अपना फेफड़ा से रिलेटेड जो बीमारी होता है ना वो सब बीमारी चालू होगा। तो इतना जल्दी होता नहीं है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अरे अभी तो हम कटिंग कर रहे हैं साल भर से, दो साल से, पाँच साल से हम काम कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या शॉर्ट टर्म बीमारी नहीं है, ये क्या लॉन्ग टर्म में होता है। जब भी आपका रिटायरमेंट का टाइम होगा, चाहे 50 साल 45 साल जब भी उम्र होगा तो उस टाइम में ये चीज़ मालूम चलेगा और उस टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बीमारी का इलाज करने से अच्छा है कि हम बीमारी ही ना होने दें, बराबर ना। तो बीमारी नहीं होने देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मास्क पहनेंगे तो अपना नाक के अंदर में डस्ट नहीं जाएगा तो जाके फेफड़े को नुकसान नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है कंक्रीट वाला जो आदमी होता है ना उसको बाद में कंक्रीट का सफाई करने के लिए लगाते हैं तो झाड़ू मारता है, ब्रेकर से कंक्रीट तोड़ता है, तो उस टाइम में क्या होता है उसमें से डस्ट निकलता है ना, वो सेम कंडीशन उसके साथ में भी होता है, वो नाक में जाएगा, नाक से जाके लंग्स में जाएगा, लंग्स को जो ये होता है ना अपना सीमेंट होता है, सीमेंट बहुत खतरनाक चीज़ होता है जो हमारा नाक के अंदर चला गया ना तो जाके अपना लंग्स में कैंसर होने का चांसेस रहता है। कैंसर मालूम है ना, जिस जगह में जिस आदमी का शरीर का जिस पार्ट में कैंसर हो गया वो पार्ट को काट के निकालना पड़ता है। तो हमारा लंग्स हम काट के निकाल देगा, डॉक्टर काट के निकाल देगा तो हम कैसा जिंदा रहेगा, कितना दिन जिंदा रहेगा, और हमारे पास उतना पैसा है क्या कि हम लंग्स अपना चेंज करवा सकते हैं, बॉडी कोई पार्ट चेंज करवा सकते हैं, नहीं है ना। तो इसलिए अपने को पीपी पहनना ज़रूरी है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या, हाउसकीपिंग का भी अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ हम लेबर कैंप में रहते हैं उस जगह में भी ज़रूरी है। घर पे हम लोग कैसा रहते, घर पे रहते हैं सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं तभी हमारा अच्छे से हम सो पाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, जहाँ आपको रहने के लिए दिया ना उसको अपना घर समझेंगे तो चीज़ साफ़ सुथरा रहेगा, लेकिन सोचेंगे कि ये 10 दिन महीना दिन काम करने के लिए क्या साफ़ सुथरा करना है, तो आप लोग उसी जगह में साफ़ सुथरा रहेगा नहीं तो क्या होगा, गंदगी होगा तो मच्छर आएंगे, मच्छर पलेंगे, जितना ज़्यादा गंदगी उतना ख़तरनाक मच्छर पलेंगे, डेंगू मलेरिया ऐसा मच्छर आएंगे उधर में, काटेंगे आप लोगों को बीमारी होगा, फिर आप लोग साइट पर भी काम करने के लिए नहीं आएंगे और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इलाज करने के लिए भर्ती होना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या साफ़ सुथरा रहेंगे, अपना जगह भी साफ़ सुथरा रखेंगे, सोने का खाने का बैठने का जो एरिया है उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो अपने साथ में ऐसा कुछ बीमारी होगा नहीं, सही है ना। वैसा ही अपने को साइट पे भी करना है, जब भी हम लोग काम करेंगे प्लाई कटिंग करेंगे तो उसमें जो भी मटेरियल निकलेगा
कुछ तो काम में लग जाएगा, कुछ चीज़ बच जाएगा जो स्क्रैप बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसको अच्छे जगह में रखना ज़रूरी है। अच्छे जगह मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्रैप का जगह है, उसको स्क्रैप का जगह में रखना है, ना कि उसको रास्ते में रख देना है कि कोई आदमी आएगा उसके ऊपर पैर रख के जाएगा, उसको क्या उसको साथ में स्लिप ट्रिप हो सकता है, होगा ना, तो स्लिप ट्रिप होगा तो आदमी गिरेगा, चोट लगेगा, किला वाला प्लाई रहेगा उसमें उसको चोट लग सकता है, कुछ शटरिंग का मटेरियल है उसको अच्छे से स्टेक किया नहीं, प्लाई का मटेरियल है, सलिए का मटेरियल है, वो चीज़ अच्छे से हम लोग स्टेक नहीं करेगा, अच्छे जगह पे नहीं रखेगा, रास्ते में रखेगा तो क्या होगा, आने जाने का टाइम में उसके ऊपर हम चढ़ के आएंगे जाएंगे तो पैर फिसलेगा, गिरेंगे, चोट लगेगा। इसलिए अपना एक्सेस कभी भी अपना क्लियर रखना है, बराबर ना। हम लोग क्या करते हैं, मशीन के बिना काम चलता है क्या अपना? नहीं चलता है ना। जैसे कोई हैवी मटेरियल उठाना है, एक साथ में 10-20 पाइप उठाना है, स्क्वायर ट्यूब उठाना है, ऐसे कुछ भी सामान प्लाई उठाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रेन का इस्तेमाल करते हैं ना। और क्रेन कैसे चलता है? बिजली से चलता है। हमारा जो प्लाई कटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, कि हमारा जो मिनटों का घंटों का काम है वो क्या सेकंडों में होता है ना, तो उसके लिए वो कैसे चलता है, अभी बिजली से चलता है। तो बिजली का सुरक्षा के बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। अब बिजली से क्या नुकसान है आप लोगों को मालूम है ना, कि बिजली का तार कटा हुआ रहेगा उसका संपर्क में हम आएंगे तो अपने को झटका लग सकता है, जल सकता है हाथ जिस जगह में करंट लगेगा, कभी कभी आदमी का बिजली लगने से जान भी जाता है, बराबर ना, मालूम है ना, आदमी का जान भी चला जाता है बिजली लगने से। तो इसलिए आप लोगों को बिजली का सुरक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। और सुरक्षा क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी मशीन चलाएंगे तो डीबी रहेगा, जिससे हम लोग कनेक्शन लेके एक जगह से दूसरा जगह लेके जाते हैं, मशीन चलाते हैं, उस टाइम में जो हमारा केबल है वो केबल कैसा होना चाहिए, डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, जो अपना साइड पे हम लोग दिया हुआ है। और उस केबल को अपने को क्या करना है, ऊपर ऊपर लेके जाना है, मतलब इतना ऊपर लेके जाना है कि आदमी का संपर्क में आए नहीं, मतलब 2 मीटर ऊपर लेके जाएंगे तो आदमी का संपर्क में वो केबल आएगा नहीं। और उसको कैसे लेके जाना है, अगर कुछ केबल स्टैंड है तो केबल स्टैंड में लगाना है, केबल स्टैंड नहीं है तो इंसुलेशन हुक उधर में रखा हुआ है जिसके ऊपर में इंसुलेशन लगाया रहता है तो उसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या केबल ऊपर ऊपर जाएगा और आदमी का संपर्क में नहीं आएगा, अगर कटा फटा भी रहेगा तो आदमी का संपर्क में आएगा नहीं, तो आदमी को करंट लगने का चांसेस नहीं रहेगा। और अब जो अपना मशीन रहेगा उसको महीने महीने इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। मशीन हम लोग चेक कराएंगे तो मालूम चलेगा मशीन सही है कि गलत है काम करने के लिए। अगर मशीन सही नहीं रहेगा तो हम सही काम कर सकते हैं क्या? काम भी सही नहीं होगा और आदमी के साथ में हादसा भी हो सकता है, करंट लग सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, बराबर ना। उसके बाद में इमरजेंसी मालूम है क्या क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है? कभी कभी होता है ना कि फ़ोन आता है, बोलता है कि इमरजेंसी हो गया इस जगह में, आदमी के साथ में दुर्घटना हो गया, तो गाड़ी लेके आ जाओ, बाइक लेके आ जाओ, आदमी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग इमरजेंसी बोलता है ना। या फिर कभी भूकंप आ जाता है, तेज़ बारिश आंधी तूफान आ जाता है, या बाहर साइट पे बड़ा आग लग जाता है, या कोई बड़ा सा इसके फोल्डिंग लगा है वो पलटी मार देता है, उसमें आदमी काम कर रहे हैं वो चीज़ इसके फोल्डिंग पलट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन का हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। और उसे इमरजेंसी के टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, इमरजेंसी के टाइम में अपने को असेंबली पॉइंट पे जाना चाहिए, कोई हादसा हो गया, सायरन का आवाज़ सुनाई देता है तो उस टाइम में अपना काम बंद करके, ऐसा नहीं भाग दौड़ के जाना है, अपना काम बंद करना है, जो मशीन चला रहे उसको बंद करना है, जो भाड़े पे काम कर रहा है सीढ़ी से होकर उतरना है, अपना सुरक्षित रास्ता जो जाने के लिए सेफ एक्सिस बनाया है उस रास्ते से उतर के आराम से जाना है, ऐसा नहीं भाग दौड़ करना, भाग दौड़ करेंगे तो क्या होगा, और भी हादसा हो सकते हैं, आदमी किधर में टकराएगा एक दूसरे से तो गिरेगा, चोट लगेगा और दूसरा हादसा हो सकता है। इसलिए हम लोग का जो सुरक्षित रास्ता बनाया गया उस रास्ते से होके अपने को असेंबली पॉइंट पे पहुंचना ज़रूरी है। अब उसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट किधर है, असेंबली पॉइंट है क्या,
जानकारी है क्या आप लोगों को? असेंबली पॉइंट क्या होता है? असेंबली पॉइंट एक सुरक्षित स्थान होता है जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं है, उधर में एम्बुलेंस खड़ा रहता है, बाकी सब टीम खड़ी रहती है। तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो क्या होगा, आप लोग का लाइन में खड़ा करके आपका हेड काउंटिंग होगा कि मतलब कितना आदमी है, अभी कितना आदमी इधर असेंबली पॉइंट पे पहुँचा और कितना आदमी साइट पे है। जैसे सुबह में कितना आदमी, मान लो 100 आदमी काम करने के लिए आया और असेंबली पॉइंट पे 98 आदमी पहुँचा, तो कितना आदमी मिसिंग है? 2 आदमी मिसिंग है, मतलब वो हादसे का शिकार हुआ है, किधर पे फंसा हुआ है। तो फिर उसको खोजने के लिए सर्च टीम जाएगी, उसको निकालेगी, लाएगी, क्या करना है, उसको फर्स्ट एड करना है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस लाना है, वो सब चीज़ बाद में किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका क्या होगा, हेड काउंटिंग होगा। हेड काउंटिंग होने के बाद में वो आदमी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद में आप लोगों को जगह पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हादसा हुआ कैसा हुआ और वो हादसे को हम लोग कैसा करेंगे कि वो हादसा होगा नहीं अगली बार से। फिर उसके बाद में उसका जो इंसिडेंट हुआ इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को असेंबली पॉइंट समझना ज़रूरी है, और जब भी इमरजेंसी होता है, सायरन का आवाज़ सुनाई देता है, उस टाइम में आप लोगों को असेंबली पॉइंट पे पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है ना? आए ना समझ में? और कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है साइट के बारे में, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा मैं बोला, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं आप लोग? आए ना समझ में?